नमस्कार, मेट्रो न्यूज फरीदाबाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे कोरोना अपडेट के साथ, जहां पर देश भर में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर एक तरफ जहां पर सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट तैयारियों में जुट गया है, तो वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। निजी हॉस्पिटल में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। देश भर में कोरोना के मामले एक बार दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए हैं और अंदेशा इस बात को लेकर जताया जा रहा है कि तीसरी लहर आने की संभावनाएं हैं। और ऐसे में जहां हेल्थ डिपार्टमेंट और सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, तो वहीं निजी हॉस्पिटल्स की तरफ से भी अब तैयारी शुरू कर दी गई है। तमाम सीए डॉक्टर जितने भी हैं, ये प्राइवेट डॉक्टर्स हैं और इनकी एक एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फरीदाबाद, हमारे साथ हैं। किस तरह की तैयारी है, किस तरह से, जिस तरह डॉक्टर साहब कोरोना आ रहा है, पहले तो अपना नाम और परिचय बता दें क्या, और कोरोना को लेकर जो लहर है क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर सुरेश अरोड़ा हूँ। कोरोना के लिए जो तीसरी लहर की संभावना है, उसके लिए बिल्कुल पूरी तैयारी है फरीदाबाद में। तो आपने भी देखा होगा, आप लोग बीके हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लग गया है और पूरे बेड तैयार हैं, अस्थाई हॉस्पिटल तैयार हो चुका है और पूरी की पूरी तैयारी है, कोई कमी नहीं है इसके। सरकारी स्तर पर तैयारी की जा रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट तैयार है इस बात को लेकर, प्राइवेट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स कितने तैयार? उसमें जो पहले सेकंड जो वेव आई थी और फर्स्ट वेव आई थी, वो सारी तैयारियां वैसी की वैसी रखी हुई हैं। अगर कोई पेशेंट आता है, उनको पूरी तरह अटेंड किया जाएगा, उन तैयारियों को बंद नहीं किया गया है। सारे के सारे अरेंजमेंट पहले थे, वो वैसे के वैसे रुके हुए हैं और उनको मेंटेन किया गया है। अभी तक कोई पेशेंट आएगा तो अटेंड हो जाएगा वो। अनीता सजा हमारे साथ हैं, आप स्टेट प्रेसिडेंट बनने पदभार संभालने जा रही हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, हरियाणा का, क्या कहेंगी? ओमिक्रॉन भी सामने है, दहशत पूरी दुनिया में है, तैयारी पूरी कितनी है हमारी? देखिए, तैयारी हमारी पूरी है। जैसे फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव आई, सेकेंड वेव से हमने बहुत कुछ सीखा और उस वो चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो, तो उसके लिए सरकार और प्राइवेट डॉक्टर सब ने बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर काम करना शुरू किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें हमारी एक आगे प्रोग्रेस हुई है कि जितने भी 50 बेड से ऊपर हॉस्पिटल थे, उसमें ऑक्सीजन के लिए सब ने अपने अपने जगह पर पर्सनल अरेंजमेंट्स कर लिए गए हैं। सवाल यही है ना कि क्या ऑक्सीजन की जरूरत अब पड़ेगी आने वाले टाइम में, ओमिक्रॉन को लेकर किस तरह के, क्योंकि एक बड़ा संगठन आपका देश भर में है। देखिए, जब सेकेंड वेव आई थी तब भी किसी को पता नहीं था कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी जैसे साउथ अफ्रीका में आया है वेरिएंट, उसमें देखा गया कि इसमें जो सिम्टम्स हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स ज़्यादा हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है। इस ओमिक्रॉन की ऐसे मोर्टेलिटी का रेट बड़ा कम है, इन्फेक्शन ज़रूर जल्दी से फैलेगा, जैसे अगर एक जने को है तो सबको हो सकता है जल्दी से एक एरिया में, लेकिन इसकी जो वो है ना, वायरुलेंस होती है, एक जो उसकी मारक क्षमता है वो कम है। तो इस वजह से हमें उम्मीद है कि ये जैसे साउथ अफ्रीका में देखा, वहाँ तो 2 महीने से आ रहा है, तो इतनी डेथ्स नहीं हुई हैं। तो पैनिक नहीं करना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क पहनना सबके लिए बहुत ज़रूरी है और हैंड सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम कहना चाह रहे हैं, वैक्सीनेशन लगवाइए, क्योंकि देखा गया जो फरीदाबाद में भी जो एक दो कोविड आए हैं या कहीं पे कोविड ओमिक्रॉन के केसेस आए हैं, उनको वैक्सीनेशन नहीं लगा हुआ था या एक डोज लगा हुआ था, सेकेंड डोज नहीं लगा हुआ था। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से कि आप लोग इसको स्प्रेड करें मैसेज को, कि वैक्सीनेशन ही हमारे पास एकमात्र उपाय है, बाकी जब बीमारी आती है हमारे देश के नागरिकों पे वो कैसा असर करेगी, किस तरह से हमें दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, वो हम WHO की गाइडलाइंस मानते हैं। एट प्रेजेंट अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या जिस तरह से तैयारी की जा रही है, अभी भी प्राथमिकता के तौर पर ऑक्सीजन को जरूर देखा जा रहा है, लेकिन चूंकि आप खुद डॉक्टर हैं, क्या लगता है कि ऑक्सीजन ही काफ़ी है या और कुछ इंतजाम भी करने जरूरी हैं? नहीं, अभी तक के जो हमारे इंतज़ाम किए गए थे, आई थिंक वो सफिशिएंट रहेंगे, और शायद ऐसा लग रहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो इतना ज़्यादा विरुलेंट नहीं होगा, अभी तक ऐसा लग रहा है, बाकी आगे कहा नहीं जा सकता। वो जो हमारी तैयारियां हैं शायद काफ़ी रहेंगी। डॉक्टर्स हैं जिनकी तरफ से भी तैयारी शुरू कर दी गई है, ताकि तीसरी लहर से बचा जा सके, और इस बीच में जिस तरह ओमिक्रॉन का जो खतरा बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर भी साफ डॉक्टर्स की तरफ से अपील की जा रही है, आप वैक्सीन लगवाएं और काफ़ी कम आप गंभीर स्थिति में पहुंचेंगे अगर आपको ओमिक्रॉन होता है। ऐसे में संक्रमण की दर बेशक भले ही ज़्यादा हो, लेकिन जो वैक्सीन है उससे बचाव हो सकता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो सुना आपने डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, ऐसे में सावधानी ही सुरक्षा है, ये आप सभी को समझना होगा। अब बात फरीदाबाद की करेंगे। यहाँ पर नगर निगम की तरफ से चलाए रहे स्वच्छता अभियान के तहत अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा संकट उन लोगों के लिए सामने खड़ा हो गया है जो रेहड़ी पटरी लगाकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। एडिशनल कमिश्नर का ये कहना है कि नगर निगम ने पहले ही वेंडिंग जोन बनाने शुरू कर दिए हैं और जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं उनकी भी लिस्टिंग कर ली गई है, उन्हें जल्द उनके क्षेत्र में जगह भी उपलब्ध करवा दी जाएगी, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये साफ उनकी तरफ से किया गया है। नगर निगम पूरी तरीके से लोगों के
साथ खड़ा है। नगर निगम फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने के लिए अलग अलग तरह की मुहिम चला रहा है। ऐसे में अतिक्रमण मुक्त फरीदाबाद बनाने की भी नगर निगम सोच रहा है, लेकिन अब जिस तरह से लोगों का जो साथ नगर निगम को मिल रहा है, खुद इंक्रोचमेंट लोग हटा रहे हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। इसको लेकर हमारे साथ में ACMC हैं इंद्रजीत कुलेड़िया सर, उनसे बात कर लेते हैं। सर, हजारों की तादाद है ऐसे लोगों की जो रेहड़ी पटरी से अपना गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन अब उनको भी वहाँ से हटना पड़ रहा है, उनके लिए क्या प्लानिंग है निगम के पास? उसमें निगम ने अपने जो भी एरिया हैं नज़दीक नज़दीक जो एरिया हैं उनको एक वेंडिंग जोन के रूप में विकसित किया जाएगा, और उसके लिए कुछ जगह आइडेंटिफाई कर ली हैं। कुछ जो साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं जो नगर निगम की जगह है, इस तरह की जगहों को आइडेंटिफाई करके इनको सेटल किया जाएगा। उसमें जो नज़दीक नज़दीक का एरिया है उसके अनुसार इसको कर लिया जाएगा। सर, नज़दीक के एरिया में तो आप आइडेंटिफाई जगह तो कर रहे हैं, लेकिन जो वेंडर हैं उनकी कोई लिस्ट तैयार की है, कितने हैं, किस एरिया में हैं? ये हमारे सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर ने पहले से तैयार की हुई है, वो एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में सब रिकॉर्ड उनके पास है, ये ऑलरेडी काम हुआ हुआ है। लेकिन चिंताएं उनकी कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि हम भी जाकर जो देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, तो वहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो इसी बात को लेकर बार बार कह रहे हैं कि उनके पास कोई इस तरह का निगम से मैसेज नहीं है, उनका रोजगार बंद हो गया है, परेशान से वो दिखाई देते हैं कई बार, क्या कहना चाहेंगे? वो थोड़ा सा उनको कम्युनिकेशन गैप है उनके साथ, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आज सुबह में मेरे पास आके लोग काफ़ी मिले हैं, तो मैंने उनको ये बताया है कि आपको हम पूरी तरह से उजाड़ नहीं रहे हैं, आप अपने गलियों में जाओ, अपने मोहल्लों में जाओ, वहाँ जाके अपना रोजी रोटी का काम करो, आपका जो रेहड़ी का उसका को काम होता है वो गलियों में और मोहल्ले में जाके करने का होता है। ये नहीं है कि कोई सड़क के ऊपर आके खड़ा होके अपना राइट इससे राइट साबित कर सके, वो राइट नहीं है उनका खड़ा होना, वो एक थोड़ा सा वैसे ही सिंपैथिकली बैठ जाते हैं, कोई दुकानदार बिठा लेते हैं, दुकानदार उनसे पैसा भी लेते हैं, इस तरह की भी शिकायतें हमारे पास हैं, तो उसके मद्देनज़र इन सब चीज़ों को हटाया जा रहा है और इनको लिए एक वेंडिंग जोन बना के वहाँ पे इनको एडजस्ट किया जाएगा। वेंडिंग जोन बनाकर एडजस्ट करें, लेकिन एक सवाल इससे अलग है कि जिस तरह से आपको लोगों का साथ मिल रहा है और आप लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने की या स्वच्छ बनाने की शहर को, लेकिन निगम जिसके पास में करीब 2000 अधिकारी और कर्मचारी का पूरा अमला है, क्या वहाँ भी आप पहुँच पा रहे हैं? क्या उनको भी कुछ, क्योंकि शिकायतें वहाँ से भी हैं, वो अपने आप घरों को स्वच्छ नहीं रख रहे हैं या आसपास स्वच्छ नहीं है, तो उनके लिए कुछ लेटर जारी किया? हमने इससे पहले जब वार्ड कमेटियाँ बनाई थी, जो मोहल्ला कमेटियां बनाई थी, उसमें हमने एक रिकॉर्ड बना के सभी मोहल्ला कमेटी वार्ड कमेटी को दिया था, उसमें हमने सब हमारे कर्मचारी थे उनके नाम दिए थे, उनमें वार्ड कमेटी को उनसे कांटेक्ट करके और वो कराने कंपोस्टिंग और अवेयरनेस कराने के लिए उसमें डायरेक्शन दी थी, वो ज़्यादा सी कोई फ्रूटफुल नहीं हो पाई। अभी जैसे कल कमिश्नर साहब ने आदेश जारी किए हैं कि 31 दिसंबर याद है ना अभियान मनाया जाएगा, इसमें हमने सब हमारे अधिकारी कर्मचारियों को सबको चिट्ठी लिख दी है कि इसमें अपने घर को, अपने घर के इर्द गिर्द, अपने पड़ोसियों को, सबको अवेयर करें और साफ सुथरा शहर बनवाने में कामयाब करें। 31 दिसंबर याद है ना के नाम से हमने एक पत्र जारी कर दिया है सभी। क्या लगता है 31 दिसंबर याद रहेगा लोगों को? बिल्कुल याद रहेगा, हम इसके लिए पूरी तरह की बुनियादी पूरी IEC एक्टिविटी होर्डिंग लगवा रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, सारा जो कर सकते हैं वो हम ग्रुपों के माध्यम से कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रोजगार को लेकर जो वेंडर्स थे उनकी चिंताएं थी, उसको लेकर साफ तौर से कुलेड़िया साहब का कहना है कि उन्हें वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं, सबकी लिस्टिंग कर ली गई है और जल्द ही उन्हें वेंडर जो वहां जगह दे दी जाएगी। इसके साथ साथ में जो 31 दिसंबर याद है ना के नाम से जो एक कैंपेन निगम चला रहा है, उसको लेकर भी पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, और 31 दिसंबर वो दिन होगा जब फरीदाबाद उस दिन पूरा की पूरा साफ सुथरा नजर आएगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो फरीदाबाद के साथ अब बल्लभगढ़ में भी नगर निगम के अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने के सपनों को मानो पंख लग रहे हैं। शहर के मुख्य बाजार हो या फिर कॉलोनियों के रोड, वहां पर कहीं भी अब रेहड़ी या दुकानों के आगे कब्जे दिखाई नहीं देते हैं। इस अभियान में अकेला नगर निगम ही नहीं बल्कि NHAI पुलिस और अन्य कई विभागों के अधिकारी एक साथ जुटे हुए हैं। के साथ मिलकर खाली करा दिया गया है, जो भी अवैध कब्जे रेहड़ी फड़ी वाले थे उनको
हटा दिया गया है और आगे भी बाजार को साफ रखा जाएगा। बाजार बिल्कुल खाली है, आम व्हीकल आराम से आ जा सकता है, लेकिन पहले स्थिति नहीं थी, पहले पैदल चलना भी दुर्भर था, लेकिन अब बिल्कुल बाजार साफ है, रेडी पड़ी फड़ी वाले सबको हटा दिया गया है। अगर कोई लगाएगा आगे उसके हिसाब नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कितने पुलिस मुलाजिम होंगे जो इस कार्रवाई में लग रहे हैं आपके आज साथ? मैं और मेरे जितने चौकी के 8-10 मुलाजिम हैं, सभी इस कार्य में लगे हुए हैं और ये फड़ी फड़ी आड़े सबको हटा दिया गया है। ऐसा है, अब भी इसके बारे में आपको जानकारी दूं, इसका स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद इस मुहिम में 6 दिन निश्चित किए गए हैं, 3 शुक्रवार शनिवार, 1 बीत चुका है, 2nd अब चल रहा है शुक्रवार शनिवार और 1 अगला शुक्रवार शनिवार। इन 6 दिनों में हर दिन 1/6 हिस्सा हम बांट के और इस तरीके से हर वार्ड में काम कर रहे हैं। जितनी भी हमारी फोर्स है, जितनी भी हमारी संख्या है, पूरी मशीनरी के साथ मिलके, एनजीओज के साथ मिलके, मास्टर ट्रेनर्स के साथ मिलके, जितने भी आम जन के साथ मिलके, जितने भी हमारे एसोसिएशंस हैं, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन चाहे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, उनके सभी के साथ मिलके, हमारे जितने भी विभाग हैं अंदर में, जितनी शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, सब मिलके इस काम। बल्लभगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर पलवल से पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण ने दलाल से कहा कि किसी भी अधिकारी को खरीदा जा सकता है, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि फरीदाबाद और पलवल जिले में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनाकर लोग पछता रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों के साथ आए दिन लूटमारी हो रही है। पैसा देकर के किसी भी अधिकारी के ईमान को खरीदा जा सकता है। तमाम के तमाम हमारे दोनों जिलों में जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरह से व्याप्त है, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैल रहा है, अफसरशाही हावी हो रही है, जनप्रतिनिधि वो लोगों को सामने आने की बजाय अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं और उसका नतीजा इस दोनों जिलों के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो भ्रष्टाचार की सीमाओं को भारतीय जनता पार्टी के राज में बिल्कुल व्यवस्था लांघ चुकी है और बहुत बुरे हाल में हमारे लोग सरकार बना करके बुरी तरह से पछता रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, इस भ्रष्ट सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का अब ये समय हमारा शुरू हो चुका है। प्रतला के विधानसभा फतेहपुर बिल्लौच में विशाल दंगल लगाया गया है। हर साल की तरह इस साल भी फतेहपुर बिल्लौच में सुंदर ने अपने स्वर्गीय पिता समय सिंह फोगाट की याद में एक विशाल दंगल का आयोजन किया। इस दंगल में दूर दूर तक पहलवान अपना जोर दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं और मुख्य अतिथि के तौर पर जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राजाराम पहुंचे। दंगल कमेटी ने ठाकुर राजाराम का पगड़ी और फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर ठाकुर राजाराम ने कहा कि मारी समाज की परंपरा है जिसमें 36 बिरादरी एक साथ एकत्रित हो जाती है। हर साल की भांति आदरणीय पूजनीय स्वर्गीय समय सिंह फोगाट जी की यादगार में कई वर्षों से होता आ रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजक बहुत ही मशहूर पहलवान, उनके साहबजादे सुंदर पहलवान जी फोगाट साहब करते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुझे बुलाया अतिथि के तौर पर, मैं इन सबका धन्यवाद करता हूं। और हमारी पार्टी के सरकार में डिप्टी मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी एक युवा डिप्टी सीएम के तौर पर हैं, वो खिलाड़ियों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। खिलाड़ियों के लिए सरकार में 3% का कोटा सरकार ने फिक्स किया है, चाहे उसमें अपने ये एशिया गेम हो चाहे कोई से गेम हो, उनमें सरकार ने युवा को तरजीह दी है। और इसी कड़ी में हमारे युवा भाई सारे खिलाड़ी इकट्ठे यहाँ पे एकजुट हुए, सारा इलाका इकट्ठा है, पूरा प्रतला क्षेत्र, फरीदाबाद जिला, आसपास के जिले के यहाँ पे सारे कुश्तियों के खिलाड़ी आए हुए हैं और अच्छी बहुत बढ़िया कुश्ती हो रही है। फतेहपुर ब्लॉच में करा गया है हमारे ये हमारे स्वर्गीय समय सिंह फोगाट, हमारे सुंदर पहलवान ने अपने पिताजी की यादगार में हर साल ये विशाल दंगल करवाते हैं और हमारे यहाँ पर बाहर से दूर दूर के पहलवान आते हैं, सबका मान सम्मान किया जाता है। हमारे ठाकुर राजा राम जी महासचिव वो आए थे, उनका मान सम्मान हुआ था।
चलिए आगे बढ़ते हुए नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर वन आयुर्वेदिक औषधि वेटोनिक हेम पुष्पा। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी को सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे की दी सौगात। चुनाव से पहले 12 जिलों को जोड़ने वाले 594 किलोमीटर एक्सप्रेस वे का किया शिलान्यास। 36,000 करोड़ की लागत से तैयार होगा हाईवे। किसान आंदोलन के नेता की सियासत में एंट्री। गुरनाम सिंह चढ़ूली ने बनाई पार्टी। पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी संयुक्त संघर्ष पार्टी। रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर निशाना। बोले अहंकार अब बन गया भाजपाई संस्कृति। हरियाणा में परीक्षा तंत्र हुआ खत्म। अब अटैची दो और नौकरी लो का सिस्टम हुआ शुरू। प्रदेश में आज संपन्न हुई एचटेट की परीक्षा। पीजीटी लेवल 3 के हुए एग्जाम। सभी परीक्षा केंद्रों पर किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नकल और किसी भी तरीके की गड़बड़ी को रोकने के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारियों की लगाई गई थी ड्यूटी। और अब बात लगातार बढ़ रही सर्दी की, जहां पर सर्दी बढ़ने से प्रथला के किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। गेहूं की फसल के लिए सर्दी फायदेमंद रहेगी। किसानों का यह कहना है कि सर्दी बढ़ने से गेहूं की फसल को फायदा होने की पूरी उम्मीद है, जब सरसों की फसल को ज्यादा सर्दी होने से नुकसान भी हो सकता है। वरदान साबित होती है। और हम खड़े हैं इस समय प्रथला के गाँव सौताई में, और लगातार जो है ठंड वो बढ़ती जा रही है, और ठंड फसलों के लिए कितनी फायदेमंद है ये हम आपको बताना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो खेत हैं उनमें गेहूं की फसल बोई गई है, और किसान लगातार यहाँ पर जो है अपने खेतों में काम भी करते हुए आपको ज़रूर दिखाई देंगे। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार अब ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गेहूँ की फसल के लिए ठंड जो है वरदान साबित होती है। और यहाँ पर इस खेत में आलू की फसल है, आलू की खुदाई यहाँ पर चल रही है। लगातार जो है किसान जो महिलाएं हैं वो भी काम कर रही हैं और किसान भी काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो किसान के लिए कई बार जो मौसम है वो कई तरह फायदेमंद भी साबित होता है और कई तरह से नुकसानदायक भी जो है साबित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे किसान हैं। नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश चंद्र जी, काम सोते से। कैलाश जी, क्या मानते हैं आप, जिस तरीके से सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है तो कौन सी फसल के लिए ठीक रहेगी ये सर्दी? गेहूं के लिए तो अच्छी है जी, और सरसों के लिए जैसे अपने आलू की फसल है उसके लिए नुकसानदायक कर सकती है। किस तरीके से फायदेमंद होगी? क्या पानी वानी कम देना पड़ता है क्या? नहीं, पानी से नहीं, जैसे सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो उससे फुटाव ज़्यादा आता है गेहूं की। हाँ, गेहूं का ग्रोथ ज़्यादा करता है। आलू हो या अन्य सरसों, उस पर क्या प्रभाव? सरसों पर अगर पाला पड़ गया तो सरसों ख़त्म हो जाती है, दाना अंदर से ही बेकार हो जाता है। गेहूं की फसल के लिए काफ़ी, गेहूं की फसल के लिए सर्दी ठीक है, जैसे आलू के लिए और सरसों के लिए थोड़ा नुकसानदायक है। ज़्यादातर क्या चीज़ बो हुआ खेतों में? ज़्यादातर यहाँ पे गेहूं की ही फसल ज़्यादा। गेहूं की फसल ज़्यादा। कुछ और किसान भी हमारे साथ, क्या नाम है आपका? वीरपाल भाटी जी। क्या कहना चाहेंगे, लगातार सर्दी बढ़ती? देखो जी, ये सर्दी गेहूं की फसल के लिए तो अच्छी है, क्योंकि इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, फसल भी अच्छी होती है। और सरसों और आलू है इसके लिए नुकसानदायक है, सब्जियों के लिए नुकसानदायक है ये ज्यादा सर्दी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भूषण है जी। आपने क्या बोया हुआ है? मैं आलू बोए हुए हैं, मैंने गेहूं भी बोए हुए हैं। वैसे कि आलू जो है वो खराब होगी फालर उसकी, गेहूं सही हो रहा है सर्दी की वजह से। तो जिस तरीके सर्दी बढ़ती है क्या उसमें पानी की भी कम जरूरत पड़ती है अगर सर्दी ज्यादा होती है? नहीं नहीं, पानी बराबर देना पड़ता है गेहूँ में भी देना पड़ता है, आलू में भी। आलू इसलिए देना पड़ता है, पाला पड़ गया तो वो खराब हो जाएगा, फालर खराब हो जाएगी आलू की, इसलिए उसमें पानी देना पड़ता है आलू में फालर सही रखने के लिए, जो आलू सही रहे नीचे। तो कहीं ना कहीं जो सर्दी की बात है तो कहीं ना कहीं जब सर्दी बढ़ती है तो गेहूँ की फसल के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बराबर में आलू की फसल भी है और आलू यहाँ पर खुदाई हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। भाई साहब, आपका खेत है? नहीं, मेरा खेत नहीं है, मैं खुदाई कर रहा हूँ यहाँ पर, ट्रैक्टर वाला हूँ मैं। क्या मानते हो आप,
अच्छी फसल हुई है आलू की? नहीं, इतनी अच्छी नहीं है फसल। अच्छी फसल जब होती, हमारे इस खेत में 250 से 300 के पैकेट निकलते, अब इसमें खाली 150 पैकेट निकलने की संभावना। ये किस वजह से मानते हैं? ये जो शुरू में बारिश हुई थी, उस बारिश ने हमारे जो बुवाई की थी, बारिश ने उसके निकलने में काफी नुकसान हुआ है। बीज जो डाला था वो गड़ गया। हाँ, अब बात यूरिया खाद की। यूरिया खाद न मिलने से किसान पिछले एक महीने से परेशान हो रहे हैं। वल्लभगढ़ इफको केंद्र पर यूरिया खाद लेने के लिए किसानों को सुबह 9 बजे ही लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। खाद लेने आए किसानों का ये कहना है कि सुबह से ही खाद लेने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन इफको केंद्र के अधिकारी शाम तक यूरिया खाद आने की बात कहकर टाल देते हैं। पहले डीएपी के समय में डीएपी नहीं मिला और आज यूरिया के समय में यूरिया नहीं मिल रहा है। अगर खाद ही नहीं मिलेगा तो खेत में फसल कैसे यहाँ पर पक पाएगी और फसल हमारी खराब हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। किसान यूरिया के लिए आ रहे हैं और यूरिया तरल उपलब्ध है, आप देख रहे हैं ना। ये जो यूरिया है, एक शीशी है, एक बोतल है, इसमें एक यूरिया के कट्टे की बराबर मात्रा है। ये 125 लीटर पानी में जो है स्प्रे होगा, खड़ी फसल पे स्प्रे करना है। इस यूरिया का फ़ायदा उससे कहीं ज़्यादा है ना। ये ज़मीन को ख़राब करता है, ना वातावरण को ख़राब करता है, 90% से अधिक फसल को लगता है। ये न केवल उस यूरिया से सस्ता है बल्कि उत्पादन बढ़ाने में उससे ज़्यादा आगे है। नई तकनीक का यूरिया है। पर इस लिक्विड वाले यूरिया को नहीं लेना। फरीदाबाद के सब्जी मंडी में सब्जियां 30 से 40 रुपए किलो मिलना शुरू हो चुकी है। मंडी में सब्जी विक्रेता का कहना है कि सब्जियां इसलिए सस्ती हो गई हैं क्योंकि सब्जी की आवक ज्यादा हो गई है, इसीलिए सब्जियां अब सस्ती हैं। लेकिन इन सब्जियों के बीच में सबसे ज्यादा महंगी सब्जी शिमला मिर्च है, जो 50 से 60 रुपए प्रति किलो बेची जा रही है। आलू, गोभी, टमाटर, मटर, बंद गोभी, बैंगन की सभी सब्जियां 30 से 40 रुपए किलो है। क्या क्या रेट है सबके एक बार बताओ। गाजर 20 है, बैंगन 20 है, गोभी 30 है, मटर 40 है, शिमला 60 है, मिर्ची है 30 रुपए किलो मिर्ची है। अरे कितना बताया आपने? गोभी 30 है। फिलहाल जो रूटीन वाली जो सब्जी है सारी सस्ती है। फिलहाल सारी सस्ती है, बस एक शिमला मिर्ची है थोड़ी महंगी है। जो वजह क्या है शिमला मिर्ची इतनी महंगी होने की? ये पीछे से नहीं आ रही ना, पीछे बहुत कम आ रही है और वैसे भी ये महंगी रहती। जहाँ तक क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो सस्ती मिलेगी, क्वांटिटी कम होगी तो महंगी मिलेगी। फरीदाबाद में एक महिला की कानून के विरुद्ध की गई नाजायज गिरफ्तारी के मामले में गंभीरता से लेते हुए पीड़िता के साथ प्रेस वार्ता में सुप्रीम कोर्ट के वकील पद्मश्री अवार्डी ब्रह्मदत्त, सामाजिक संगठनों के लोग अब पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सामने आ रहे हैं। इस नाजायज गिरफ्तारी के चलते बेकसूर महिला को 22 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। प्रेस वार्ता में रात के समय पुलिस द्वारा महिला की गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज भी सबूत के तौर पर पेश किया गया। पीड़िता और उसके समर्थन में आए सुप्रीम कोर्ट के वकील पद्मश्री अवार्डी ब्रह्मदत्त और सामाजिक संगठनों के लोगों ने बताया कि मामला बदरपुर सैदगांव का है, जहां पर 26 अक्टूबर की रात को अंधेरे में 4 पुरुषों और एक महिला पुलिसकर्मी ने कानून के विरुद्ध महिला की गिरफ्तारी की थी। और इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि ये पीड़ित परिवार यहाँ के नेताओं के पास भी गया है। मैं खुल के कहता हूँ, कृष्णपाल गुर्जर जी के पास भी गया है और लोगों के पास भी गया है, कमिश्नर के पास भी गया है। जब कहीं नहीं सुनवाई हुई तो इन्होंने सोचा मुझे, मेरे पास आए और मैंने फौरन कहा कि मैं आप लोगों को तकलीफ दूँ, मीडिया को तकलीफ दूँ, मीडिया को बताऊँ। तो मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।